ये बीजेपी का सवाल है कि दूल्हा किसको बना रहे? अरे तुम का कोई दूल्हा ही नहीं दूसरा, ये भी दूल्हे के चक्कर में हो। अगले जी एक तरफ जब बनाना होगा तय करना होगा, हम लोग तय करें। सवाल दूल्हे का नहीं है, सवाल ये है कि 2000 रुपए बंद हो गए। सवाल देश के सामने ही बड़ा होना चाहिए, सवाल दूल्हे का नहीं है, सवाल 2000 का है। आप तो कह रहे थे इसमें चिप है, आपने ड्रोन भी खरीद लिए, क्या ड्रोन से आप ढूंढोगे 2000 रुपए के चिप वाले रुपए? आपने जनता को गुमराह किया। पहले नोटबंदी बंद की, नोटबंदी में कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगा। क्या आज तहसील थाने का करप्शन कम है? सोचिए, देखिए जाकर के, एक एक विभाग के बारे में जानकारी करिए। तो सवाल ये नहीं है कि दूल्हा कौन है, सवाल ये है कि 2000 रुपए जो दूल्हे को मिलते शादी में, वो सबसे ज्यादा जमा कहाँ हुए हैं? तो सवाल ये पूछना चाहिए कि 2000 रुपए बंद हुए हैं, 2000 रुपए जो बंद हुए हैं, वो देश की किस बैंक में, किस ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए? अखिलेश जी 9 साल के कामों का बखान कर रही भारतीय जनता पार्टी, लगातार वहाँ जनसंपर्क अभियान भी कर रही है। अगर काम किए हैं तो फिर ये घबराहट के उत्तर प्रदेश, देखिए अगर काम किया होता 9 साल में, और सोचो देश के प्रधानमंत्री ने यूपी में आकर के कहा था कि खुला जानवर जो है, जानवर जो सड़कों पर हैं, उनके लिए इंतजाम करेगी सरकार। 9 साल में ये बताओ ट्रैफिक और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी इन्होंने स्थान के हवाले कर दी, और जो लोग इन्होंने एमओयू करने आए थे, अब एमओयू जिन्होंने किया उन उद्योगपतियों को ढूंढ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? बताइए 9 साल में दिल्ली की सरकार इनकी थी, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, यूपी की जनता ने दोबारा सरकार बना दी, उसके बाद जो एमओयू हुए, कोई एमओ जमीन पे आया? और फिर महंगाई का जवाब क्या है इनके पास? आप देखिए खाने का तेल क्या हाल है, डीजल पेट्रोल का क्या हाल है। ये बात अलग है कि आलू टमाटर प्याज किसी की कीमत बढ़ जाए, किसी को मुनाफा हो किसी को नहीं मुनाफा हो, किसी की जेब से जा रहा हो। सवाल देश के सामने बड़ा ये है कि महंगाई का सबसे ज्यादा परेशानी गरीब के लिए, तो उसका जवाब इनके पास क्या है? और जो बिजली का संकट आ रहा है, अभी भी मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बाराबंकी वालों के सामने, एक भी बड़ा प्लांट बिजली का सरकार ने नहीं लगाया। जो आज बिजली उपलब्ध हो रही है वो समाजवादी सरकार के ही लगे हुए कारखाने बिजली दे रहे हैं, और अगर इन्होंने समय पर समाजवादी सरकार के बनाए हुए लगाए हुए कारखाने चालू कर दिए होते तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती। तो बिजली के जवाब पर कुछ है नहीं।